एक्चुअली मैं जब 2.5 साल की थी तब मैंने गाना स्टार्ट किया। मैं मारवाड़ी हूँ और हमारी फैमिली में कोई भी नहीं गाता है, मम्मा की साइड से भी नहीं, पापा की साइड से भी नहीं। और एक फैमिली फंक्शन चल रहा था, उसमें मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा मुझे भी स्टेज पर जाना है और कुछ करना है। तो मम्मा ने सोचा कि मैं पोएम वगैरह कुछ रिसाइट करूँगी स्टेज पर जाकर, क्योंकि मेरी जस्ट एडमिशन ही हुई थी स्कूल में। सो आई वेंट ऑन द स्टेज और मैंने लता जी का चल रही सजनी अपिया सोचे गाया। तो मम्मा विज एब्सोल्युटली सरप्राइज, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट होगा। फिर तब पहली बार पता चला था सबको कि शायद मैं गाती हूँ। और फिर मम्मा ने मुझे सिखाना स्टार्ट किया, मैंने क्लासिकल सीखा, उर्दू लिखना और पढ़ना सीखा प्रोनंसिएशंस के लिए। फिर वॉइस कल्चर की ट्रेनिंग ली और स्टार्ट से एक लक्ष्य था कि प्लेबैक सिंगर बनना है और सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर बनना है। तो पूरी तैयारी की थी और देन कल्याण जी आनंद जी अंकल के ग्रुप में लिटिल स्टार्स में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। और बहुत ही अच्छी पॉजिटिव जर्नी रही है अभी तक सिंगिंग की। मैं और मेरा छोटा भाई हम लोग शोज़ करते हैं और हम तभी गाते हैं जब कोई हार्ट पेशेंट्स की ऑपरेशंस करवाता है। तो अभी तक हम लोगों ने शोज़ दे देकर 2.88 करोड़ डोनेट किए हैं, जिनसे 588 हार्ट पेशेंट्स के ऑपरेशंस हो पाए हैं। लेकिन अभी भी 628 बच्चे और हमारी वेटिंग लिस्ट में हैं, जिनके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब मैंने गाना स्टार्ट किया तभी से चैरिटी साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले ब्लाइंड बच्चों के लिए एक छोटा सा फंक्शन किया था। फिर जब कारगिल वॉर हुआ था तब मैं शॉप टू शॉप जाती थी अपने घर के आसपास की दुकानों पर, और मैं जाकर शॉपकीपर अंकल से कहती थी कि मैं आपको ऐ मेरे वतन के लोगों सॉन्ग सुनाऊंगी और उसके बदले जो कुछ भी आप प्लीज़ मेरे डोनेशन बॉक्स में डालिए। तो तब अच्छा खासा डोनेशन मुझे मिल गया था। सो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था कि मैं कुछ कर सकती हूँ शायद दूसरों के लिए। देन ओडिशा में जो साइक्लोन आया उसके लिए एक परफॉर्मेंस दिया मैंने। तो इंदौर में, हम लोग बेसिकली इंदौर के हैं, तो इंदौर में एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है लोकेश। उसके पेरेंट्स हमारे पास आए घर पर और उन्होंने बताया कि लोकेश के हाथ में दो होल्स थे। सो मुझे हमेशा ऐसा मौका चाहिए था कि मैं किसी के काम आ सकूं। तो मैंने मम्मा से कहा कि लोकेश की मदद तो मुझे करनी ही है। फिर इंदौर में एक छोटा सा स्टेज बनाकर एक रोड पर मैंने और पलाश ने उस बच्चे को लेकर गाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा लग रहा था कि 5-6 शोज देने पड़ेंगे तब जाकर इतने सारे पैसे इकट्ठे हो पाएंगे उसके ऑपरेशंस के लिए। बट इन द फर्स्ट शो इट्सेल्फ इतना सक्सेसफुल हुआ कि 55,000 कलेक्ट हो गए। जो ठेले वाले अंकल थे उनके पास पैसे नहीं थे डोनेशन बॉक्स में डालने के लिए, तो उन्होंने अपनी तांबे की रिंग भी डोनेशन बॉक्स में डाल दी थी। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। और बैंगलोर के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर देवी शेट्टी, उन्होंने कहा कि यदि तुम उस बच्चे को बैंगलोर लेकर आ जाओ तो हम उस बच्चे का ऑपरेशन फ्री में कर देंगे। तो वो लोकेश का ऑपरेशन फ्री में हो गया, सक्सेसफुल भी हो गया। बट देन जो 55,000 हमने कलेक्ट किए थे उसके लिए पेपर में दिया कि जिन भी डोनर्स ने पैसे दिए हैं वो वापस ले लें, या फिर और कोई अगर ज़रूरतमंद है तो वो आकर मिले। तो पहले दिन 7 हार्ट पेशेंट बच्चे हमारे पास मदद के लिए आए। लकीली उनकी किस्मत की वजह से आगे शोज़ मिल गए। जब उनके लिए शोज़ देने गए तो जहाँ पर शोज़ देने के लिए जाते थे मदद 2-3 बच्चों की होती थी, पर 4-5 बच्चे और वेटिंग लिस्ट में जुड़ जाते थे। कभी भी कुछ प्री प्लानिंग नहीं थी कि एक मिशन बन जाएगा, इतने सारे बच्चों के ऑपरेशंस हो जाएंगे। बट जैसे कि मैंने कहा, उन बच्चों की किस्मत की वजह से बिना पब्लिसिटी के हमें आगे से आगे पूरे वर्ल्ड में शोज़ मिलते गए और इतने बच्चों के ऑपरेशंस होते गए। मेरे मम्मा पापा का सपोर्ट तो मुझे बहुत ही ज़्यादा है। आई थिंक ऐसा बोला बहुत, पता नहीं, मुझे लगता है मेरे मम्मा पापा बेस्ट है, हर किसी को यही लगता है। बट मेरे मम्मा पापा ने जितना कुछ मेरे लिए किया है वो बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी करना। लाइक हम लोग इंदौर के हैं, सब कुछ छोड़कर वो सिर्फ मेरे और मेरे भाई के करियर के लिए ऑल द वे टू मुंबई शिफ्ट हुए। और यहाँ पर मेरी मम्मा हर समय मेरे साथ रहती है, स्टूडियोज़ में, शूटिंग्स पर, जहाँ भी मैं जाऊँ। और जब मैंने चैरिटी स्टार्ट की थी तब मैं बहुत छोटी थी, और अगर मेरे मम्मा पापा चाहते तो वो मेरा माइंड डाइवर्ट कर सकते थे, पैसे खुद रख सकते थे। अगर वो उस टाइम बोलते कि नहीं ये पैसे हम खुद ही रखेंगे तो मैं मान भी जाती, बट उन्होंने मेरी सोच को सपोर्ट किया, एंकरेज किया हमेशा, सिंगिंग के लिए भी, चैरिटी के लिए भी। मुझे लगता है कि अगर मैं इतने आगे मिशन चला पाई हूँ या फिर अगर मैं इतनी सारी फिल्म्स में गा रही हूँ तो सिर्फ मेरे मम्मा पापा की ब्लेसिंग्स की और सपोर्ट की वजह से। मेरे पापा अकाउंट ऑफिसर थे और हैं भी, अभी भी मुंबई में हैं प्राइवेट फर्म में।
मुंबई में ही मेरे साथ। मेरा भाई फ्रॉम द फर्स्ट शो हमेशा से ही मेरे साथ परफॉर्म करता है और यंगेस्ट गिटारिस्ट है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। सर से, चिन से और नी से कैसियो बजाता है, गाता भी बहुत अच्छा है, डांसर भी है। और जिस तरह से मेरा मिशन है हार्ट पेशेंट्स का, मेरा मिशन तो उसका मिशन है ही, साथ ही साथ उसका एक अपना मिशन है, वो किडनी पेशेंट्स के लिए अपने इंडिविजुअल शोज करता है। आई थिंक बहुत सारे लोग गाते हैं, मैं हमेशा हर इंटरव्यू में ये बात बोलती हूँ कि मुझे सबसे हमेशा से एक एक्स्ट्रा वाला प्यार सपोर्ट मिला है, क्योंकि मैं एक मिशन के लिए गा रही हूँ। सबसे बड़ी बात, जब आप किसी और के लिए कुछ करते हो तो वो जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है, दैट्स इनक्रेडिबल। मुझे सबसे अच्छा तब फील होता है जब डॉक्टर अंकल किसी भी ऑपरेशन के बाद, जो पलाशा मेरे शोज़ के रेस के हुए फंड से होता है, उसके बाद डॉक्टर अंकल फ़ोन करके मुझे कहते हैं कि बधाई हो पलक, तुम्हारा बच्चा बच गया। तो वो हैप्पीएस्ट मोमेंट होती है। और वो जो 588 बच्चों के ऑपरेशन हुए हैं, इट्स लाइक अ फैमिली, क्योंकि जिस दिन उन बच्चों का ऑपरेशन हुआ होता है उसी दिन वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एक नया जन्म ही मिलता है उन्हें। मैंने जितने ऑपरेशंस करवाए हैं उतनी डॉल्स मेरे रूम में हैं, 588 डॉल्स फॉर 588 हार्ट ऑपरेशंस। तो उन डॉल्स के नाम भी मैंने उन बच्चों के नाम से ही रखे हैं, ताकि यू नो मेमोरीज हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे बर्थडे पर हर एक बच्चे का फ़ोन आता है, उनके बर्थडे पर मैं विश करती हूँ, और राखी बंधवाने के लिए आते हैं, दिवाली पर आ जाते हैं मिलने। तो एक छोटा सा परिवार सा हो गया है हमारा, और छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा सा एक्चुअली। और बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ही सुकून मिलता है जब मैं उन पेरेंट्स की तरफ देखती हूँ, उनके बच्चे के ऑपरेशन के बाद जब वो इतना रिलीव्ड फील करते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे लगता है बहुत लोग सोचते हैं कि वो किसी के काम आ सकें, बट मैं खुद को खुशनसीब समझती हूँ कि भगवान ने मुझे मौका दिया, जरिया दिया, मेरी आवाज़ दी कि मैं किसी के काम आ सकूँ। दिल से दिल तक हमारे एक्चुअली चैरिटी शो की जो चेन है उसका नाम है, और जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ पर हार्ट पेशेंट्स के लिए ही परफॉर्म करते हैं। और सिर्फ इंडिया के ही नहीं, पाकिस्तान और थाईलैंड के भी कुछ बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं, जिनके लिए लगातार यू नो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हेल्प देम आउट। और उम्मीद है, यू नो जब मेरे गाने नहीं आए थे फिल्म में, तब जब मैं एक शो देने के लिए जाती थी तो 2 या 3 बच्चों के ऑपरेशंस होते थे, बट नाउ जब फिल्म्स में गाने आने लगे हैं, थोड़ी बहुत हिट होने लगे हैं, तो उसका फ़ायदा मिशन में भी मिल रहा है। आजकल एक ही शो में मुझे 6-6, 7-7 बच्चों के ऑपरेशन की मदद मिलने लगी है। फर्स्ट सॉन्ग एज ए प्लेबैक सिंगर मैंने हिमेश रेशमिया जी की फिल्म दमादम में गाया था। हिमेश जी की वजह से ही मुझे वो गाना मिला था, उन्होंने मुझे बुलाया था वो सॉन्ग डब करने के लिए व्हेन आई वाज 16 आई गेस। सो आशिकी 2 में मैंने 2 सॉन्ग्स गाए हैं, मेरी आशिकी जो कि मिथुन सर ने कंपोज किया है, और दूसरा सॉन्ग है चाहूँ मैं आना, जो कि जीत गांगुली जी ने कंपोज किया है। दोनों ही इरशाद कामिल जी ने लिखे हैं सॉन्ग्स। सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म एक था टाइगर, जो कि सुहेल सेन जी ने कंपोज किया है। ये गाना एक्चुअली मेरा पहला बड़ा गाना है, जो कि मुझे सलमान सर ने दिलवाया था, उनकी वजह से मेरा सॉन्ग फिल्म में रखा गया था। नाउ माई वेरी फर्स्ट सॉन्ग सात समंदर सारे फ्रॉम द फिल्म दमादम, कंपोज बाय हिमेश रेशमिया जी। मैं 17 लैंग्वेजेस में गाती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ शोज देने के लिए, मैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में गाती हूँ। सो जब मैं नैरोबी गई परफॉर्म करने के लिए, तो मैंने स्वहिली में गाया। जब मैं दुबई गई तो अरबिक में गाया। सिंगापुर गई तो मलय में गाया। इंडिया में जब मैं साउथ में जाती हूँ तो तमिल, कन्नड़ में, तेलुगु में गाती हूँ, और गुजरात में जाती हूँ तो गुजराती में। तो ऐसे करके 17 भाषाएं हो गई हैं। ऑफकोर्स मुझे बोलना ज़रा भी नहीं आती है, बट जब भी मैं शोज देने के लिए जाती हूँ तो मैं जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है उसका गाना बाय हार्ट कर लेती हूँ, अगर पॉसिबल होता है तो उसका मीनिंग समझती हूँ, ताकि गाने में फील आ सके। और इस तरह से मेरी 17 लैंग्वेजेस हो गई हैं जिनमें मैं गाती हूँ।